नमस्कार साथियों, इंग्लिश बाय डीएसटी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम वनवर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं। तो फर्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो है, अ पर्सन इन अ व्हीकल ऑल ऑन हॉर्स बैक एस्कॉर्टिंग अनदर व्हीकल। आपने देखा होगा जब कोई मंत्री या कोई वीआईपी पर्सन जाता है तो उसके पीछे या आगे। आज पुराने टाइम में घोड़ों पर राजा के आने के पहले और बाद में कुछ सैनिक रहते थे, और आज घोड़े की जगह व्हीकल मोटरसाइकिल या फोर व्हीलर्स में आगे पीछे स्कॉर्टिंग गार्ड होती है, वो क्या कहलाती है। तो आपका जो सही आंसर है वो है ए, आउटराइडर। नेविगेटर का मतलब होता है वन हु नेविगेट्स शिप। जहाज को चलाने वाला जो होता है वो नेविगेटर कहलाता है। नेक्स्ट है फ्रेटिसाइड। फ्रेटिसाइड का मतलब होता है वन हु किल्स हिज ब्रदर और सिस्टर। जो अपने बहन या भाई का हत्या कर दे वो फ्रेटिसाइड होता है। डी है नोमाड। नोमाड ये ग्रीक वर्ड है। ग्रीक वर्ड इसका मीनिंग अपने यहाँ जैसे लोहर गड़िया होते हैं या घुमक्कड़ जाति के लोग, वो कहलाते हैं नोमाड, जिनका एक परमानेंट रहने का प्लेस नहीं होता, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहते हैं, वो कहलाते नोमाड। आपका ये सही आंसर ए है, आउटराइडर। हाँ, सेकंड क्वेश्चन है आपका, अ पर्सन इंटरेस्टेड इन कलेक्टिंग स्टडिंग एंड सेलिंग ऑफ ओल्ड थिंग्स। एक व्यक्ति जिसे पुरानी चीज़ों को कलेक्ट करना, स्टडी करना और सेलिंग बेचने में इंटरेस्ट है, रुचि है, वो क्या कहलाता है। तो आप ध्यान रखें, वो कहलाता है एंटीक्वेरियन। ध्यान रखें, एंटिक चीज़ों को जो सहेजता है वो एंटीक्वेरियन कहलाता है। जंक डीलर मतलब कचरा इकट्ठा करने वाला। आर्कियोलॉजिस्ट मतलब पुरानी चीज़ों की जानकारी रखने वाला। और क्रैंक का मतलब होता है सनकी व्यक्ति। अ पर्सन विथ स्ट्रेंज आइडियाज, अ पर्सन हु बिहेव्स इन अ स्ट्रेंज वे, वो कहलाता है क्रैंक या क्रैंकी। ये आप इसका मीनिंग याद रखें। थर्ड क्वेश्चन है, अ नंबर ऑफ स्टार्स ग्रुप्ड टुगेदर। स्टार्स बहुत ज़्यादा आपस में ग्रुप्ड हों इस प्रकार से, तो वो क्या कहलाते हैं। तो वो कहलाते हैं कंस्टिलेशन। नंबर ऑफ स्टार्स ग्रुप्ड टुगेदर कहलाते हैं कंस्टिलेशन। गैलेक्सी आप जानते हैं आकाशगंगा, सोलर सिस्टम आपको पता है, और बचा एस्टेरॉयड। तो एस्टेरॉयड का मीनिंग होता है सूर्य के चारों ओर जो छोटे छोटे क्षुद्र ग्रह या लघु ग्रह आपस में घूमते हैं, वो कहलाते हैं एस्टेरॉयड। ग्रह नहीं बोल रहे साथियों, ग्रह मीन्स प्लैनेट, क्षुद्र ग्रह या लघु ग्रह, वो कहलाते हैं एस्टेरॉयड्स। सही आंसर आपका सी, कॉन्स्टिलेशन है। नेक्स्ट है, अ पार्ट ऑफ अ वर्ड दैट कैन बी प्रोनाउंस सेपरेटली। शब्द का एक भाग जो सेपरेटली अलग से प्रोनाउंस्ड होता है वो क्या कहलाता है। तो वो कहलाता है सिलेबल। क्या कहलाता है, सिलेबल। जैसे आपने कहा गर्ल, तो गर्ल को आप प्रोनाउंस करते हैं तो गर्ल, गर्ल। तो ये जो जी गा है और अर्ल है, ये अलग अलग सिलेबल हो गए और पूरा वर्ड हो गया गर्ल। तो इस प्रकार इसका आंसर सिलेबल। लेटर आपको पता है, आर्टिकल आपको पता है। सिबिलेंट का मीनिंग होता है, ये फोनेटिक्स का है, लिंग्विस्टिक का वर्ड है। सिबिलेंट का मतलब ऐसे शब्द जिनमें हिसिंग साउंड होता है, और सिबिलेंट स्पीच साउंड, ऐसे शब्द जिनमें हिसिंग साउंड होता है वो कहलाते हैं सिबिलेंट। एग्जाम्पल में जैसे सिप, जिप, शिप, ये सब हिसिंग साउंड वाले वर्ड हैं। ये इसका आंसर है, ध्यान रखें। नेक्स्ट है, अ पर्सन 80 ईयर्स ऑफ एज, 80 साल के व्यक्ति को क्या कहेंगे। तो 80 साल के व्यक्ति को बोलेंगे ऑक्टोजेनेरियन। ऑक्टो मतलब आठ, ऑक्टोजेनेरियन मतलब 80 साल, सेप्टोजेनेरियन 70 साल, नोनोजेनेरियन 90 ईयर्स एंड सेक्सोजेनेरियन 60 से 69 के बीच का, उसे बोलते हैं सेक्सोजेनेरियन। आपका सही आंसर है डी, ऑक्टोजेनेरियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पर्सन कमिंग टू अ फॉरेन लैंड टू सेटल देयर। एक व्यक्ति जो विदेश से आके यहाँ रहता है वो क्या कहलाता है। तो डोमिसाइल का मतलब होता है जहाँ आप रहते हो वहाँ के निवासी। नेटिव का मतलब भी वही है, जहाँ आप रहते हो आसपास वहीं
नेटिव कहलाता है। नेक्स्ट है आपका ऑप्शन सी फॉरेनर मतलब विदेशी, और आपका आंसर डी है इमिग्रेंट। इमिग्रेंट मतलब आप कहीं बाहर से आके या अपने देश से बाहर जाते हो तो आपको इमिग्रेशन पास लेना पड़ता है, वो कहलाता है इमिग्रेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ पर्सन डिवोटेड टू सेंसुअल एन्जॉयमेंट स्पेशली दैट डिराइव फ्रॉम फाइन फूड एंड ड्रिंक। एक पर्सन जिसे एन्जॉयमेंट बहुत पसंद है, वो अच्छे प्रकार का खाना और ड्रिंक करना पसंद करता है, सेंसुअल एन्जॉयमेंट उसे पसंद है, वो क्या कहलाता है। तो इसका आंसर है आपका बी इपिक्यूरियन। ये लिटरेचर का वर्ड है इसलिए ध्यान रखें इपिक्यूरियन। अदर ऑप्शंस प्रैग्मेटिस्ट, प्रैग्मेटिस्ट का मतलब होता है रियलिस्ट, जो यथार्थ में रहे, जो जैसा है वैसा एक्सेप्ट करे। स्नोब और डैंडी, तो डैंडी का मीनिंग होता है रंगीला, पुराना वर्ड है अब यूज नहीं होता है। और स्नोब, स्नोब का मीनिंग होता है स्नोब का मीनिंग होता है एक पर्सन जो अपने आप को, समवन हु थिंक्स हिमसेल्फ बेटर देन अदर्स, जो अपने आप को दूसरों से अच्छा समझे, घमंडी, जिसे अपन अकड़ू बोल सकते हैं अपनी हिंदी में, वो इसका मीनिंग है। नेक्स्ट वर्ड है अ पर्सन हु लव्स और कलेक्ट बुक्स, एक व्यक्ति जिसे बुक्स, जो बुक्स को प्यार करता है, बुकें इकट्ठी करता है, वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है बिब्लियोफाइल। ध्यान रखें बिब्लियोफाइल। स्कॉलर का मतलब हाईली एजुकेटेड पर्सन, बुकवर्म का मतलब किताबी कीड़ा, एल्यूमिनस का मतलब स्कॉलर्स है, किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला कोई व्यक्ति गोल्ड मेडलिस्ट आ जाए तो वो वहाँ का एल्यूमिनस कहलाएगा, ये इसका मीनिंग है। सही आंसर आपका। नेक्स्ट है अ पर्सन नॉट श्योर ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, एक व्यक्ति जिसे भगवान के अस्तित्व तुम्हें है भगवान की नहीं, वो इस बारे में श्योर नहीं है, कन्फ्यूज है, वो क्या कहलाएगा, तो वो कहलाएगा एग्नोस्टिक। ध्यान रखें थीस्ट का मतलब वो जो भगवान को मानता है, एथीस्ट का मतलब जो भगवान को नहीं मानता है, वो साइनिक का मतलब होता है सेल्फिश, जो सोचता है कि मैं ही सब कुछ हूँ, वो साइनिक होता। सही आंसर है आपका एग्नोस्टिक। नेक्स्ट आपका जो लास्ट क्वेश्चन है आज के इसका, वो है अ पेपर रिटन बाय हैंड, कोई भी पेपर या कागज़ पे आप हाथ से लिखते हो तो वो क्या कहलाएगा, तो वो कहलाएगा मैनुस्क्रिप्ट। क्या कहलाएगा, मैनुस्क्रिप्ट। ये आपका आज के क्वेश्चन, हाँ तो ये आपका आंसर है। अब आते हैं अदर, जैसे ट्रांसक्रिप्ट, ट्रांसक्रिप्ट का मतलब भी है लिखा हुआ, लेकिन कैसे लिखा हुआ, प्रिंटेड किया हुआ, समथिंग दैट इज प्रिंटेड। वो प्रिंटेड अगर है तो वो कहला, लिखी वही चीज़ है लेकिन हाथ से लिखी तो मैनुस्क्रिप्ट, और प्रिंटेड है तो ट्रांसक्रिप्ट। इस पार्चमेंट, पार्चमेंट का जो मीनिंग है, पुराने टाइम में जब कागज़ नहीं था तो भेड़ बकरियों की जो स्किन है उससे एक पत्र, लिखने का एक पत्र बनाया जाता था जिस पर लिखा जाता था, वो कहलाता है पार्चमेंट, हिंदी में कहें तो चर्म पत्र। और लास्ट है डी स्क्रॉल, स्क्रॉल मतलब ऊपर से नीचे ड्रैग करना, ये स्क्रॉल होता है, या एक प्रकार का अपन बोलते कागज का खर्रा, वो भी कहलाता है स्क्रॉल। तो ये आपके आज के वर्ड्स हो गए, 10 वर्ड्स हैं, 4 मीनिंग, तो आपके 40 हो जाते हैं। आप रिवाइज करें एग्जाम्स में, इसी प्रकार के ऐसे रिलेटेड ही आएंगे तो आप पर बन जाएंगे। धन्यवाद।